दोस्तों, आज इस बात पर हमें शक होना ही नहीं चाहिए कि कंप्यूटर्स हमसे ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। और जैसे जैसे एआई और मशीन लर्निंग की फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है, कई लोगों को ये डर भी सताने लगा है कि एक दिन रोबोट्स ही दुनिया पर रूल करने लग जाएंगे। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क ने इस डर को फीचर बदल दिया है और अपनी कंपनी न्यूरालिंक के सहारे वो अब लोगों के दिमाग में एक कंप्यूटर चिप फिट करना चाहते हैं जो हमारी एबिलिटीज को काफी हद तक बढ़ा देगा। सुनने में ये आइडिया काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन इसके कई ट्रायल्स हो चुके हैं। ह्यूमन टेस्टिंग भी जल्दी होने वाली है। क्या है ये टेक्नोलॉजी और क्या ये सेफ है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी न्यूरालिंक की शुरुआत 2016 में की थी। इसका मेन एम ये है कि एक ऐसी चिप बनाई जाए जो कि किसी इंसान के स्कल के अंदर फिट कर दी जाए और फिर इससे वो इसके दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा सके। इसकी वर्किंग समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि हमारा दिमाग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से इंफॉर्मेशन इधर से उधर करता है और यही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हमें बताते हैं कि हमें कब क्या करना है और कैसे करना है। अगर आपको एक ग्लास को टेबल से उठाना भी है तो उसके लिए भी करोड़ों न्यूरॉन्स आपस में कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक्सचेंज करते हैं, जिससे आपके हाथों में सिग्नल जाता है, आपकी बॉडी को पता लगता है कि कैसे उसे बैलेंस में रहना है। आंखों से आ रहे फीडबैक को भी दिमाग इसी तरह मॉनिटर करता रहता है। इलॉन मस्क की चिप एक कॉइन के साइज की होगी, जिसके साथ इंसान के बाल से भी 5 गुना पतली वायर्स अटैच्ड होंगी जो पूरी तरह आपके दिमाग में फैली हुई होंगी। अब इस चिप की मदद से कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिमाग में भेजे जा सकते हैं जो आपकी बॉडी को कुछ काम करने पर मजबूर कर देंगे। इलॉन मस्क इस डिवाइस को 2 फेजेस में लॉन्च करने वाले हैं। पहले फेज में वो इसे एक मेडिकल डिवाइस की तरह डिजाइन कर रहे हैं, जिसकी मदद से जो लोग पैरालाइज्ड हैं या फिर किसी तरह की मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं उन्हें इसे ठीक किया जा सके। कई लोग जो देख नहीं सकते उनकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके दिमाग तक रेटिना अपने सिग्नल्स नहीं पहुंचाता। तो ये सब चीजें एक ऐसी डिवाइस की मदद से सॉल्व की जा सकती है। इलॉन मस्क ने एक मशीन भी बनाई है जो इस डिवाइस को सीधे तौर पर आपके दिमाग में फिट कर देगी और इसके लिए आपको डॉक्टर्स या सर्जरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस डिवाइस का एक वीडियो उन्होंने जनवरी 2021 में जारी किया था कि एक सुई की मदद से कुछ इस तरह चिप और उसकी वायर्स को आपके ब्रेन में इंसर्ट करेगा, जैसे कोई टेलर सिलाई करता है। इलॉन का दावा है कि सर्जरी करवाना एक लेजिक आई सर्जरी से भी ज्यादा आसान होगा। ये 8 फीट लंबा इम्प्लांट रोबोट अभी भी कम्प्लीटली डिवेलप नहीं हुआ है, वैसे ही वोक स्टूडियो नाम की कंपनी डिजाइन कर रही है। 2020 में इलॉन ने एक पिक के अंदर चिप को इंसर्ट करके एक डेमो भी दिया था। ये चिप गर्ट्रूडा नाम के पिक के अंदर इंसर्ट की गई थी और इस डेमो के दौरान वो पिक की सारी मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा था। ट्रेडमिल पर चलते इस पिक की ना सिर्फ मूवमेंट्स ट्रैक की जा सकती थी, साथ ही साथ ये चिप आगे की मूवमेंट्स भी प्रेडिक्ट कर पा रही थी। इसके अलावा इलॉन ने एक मंकी पर ये भी एक्सपेरिमेंट करने का दावा किया है और ये हमें चिप के दूसरे फेज में लेके जाता है। चिप का पहला फेज तो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड था जिन्हें कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन दूसरे फेज में चिप हेल्दी लोगों के लिए भी डिजाइन की जाएगी। इलॉन का मानना है कि चिप की मदद से हम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकेंगे, फिर चाहे कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी हो या इंटरनेट से कोई जानकारी निकालनी हो, ये चिप सभी कुछ कर पाने में सक्षम होगी। इलॉन तो ये भी कहते हैं कि इस चिप की मदद से जो चीजें आपके वो याद नहीं है वो भी आप अपनी मेमोरी से रिट्रीव कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने आसपास की मशीन्स को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं। जिस मंकी एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें इलॉन का दावा है कि उन्होंने एक मंकी के ब्रेन में चिप इंसर्ट की थी और अब कुछ ट्रेनिंग के बाद वो सिर्फ इस चिप की मदद से काफी सारे वीडियो गेम्स खेल सकता है, उन्हें बिना हाथ लगाए कंट्रोल कर पा रहा है। इलॉन ये भी कहते हैं कि आने वाले समय में ये भी मुमकिन है कि 2 न्यूरालिंक वाले इंसान आपस में बिना कुछ बोले कम्युनिकेट भी कर पाए। इसका एक फायदा वो ये गिनाते हैं कि इससे लैंग्वेज बैरियर पूरी तरह से मिट जाएगा और हर इंसान बिना लैंग्वेज के बात कर पाएगा। सोचिए कितना मजेदार होगा कि आप किसी ट्रिप से लौटे और अपने दोस्तों को वहां की कहानियां सुनाने के बजाय आप डायरेक्टली उन्हें कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजकर पूरा ट्रिप उनके दिमाग में प्ले करवा दें। आप जब चाहें अपने सपनों को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ख्याल किसी के साथ शेयर कर पाएंगे और अपने एनवायरमेंट से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ये सब सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी के साथ के चेंजेस को भी सुन लीजिए जो कई एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किए। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल के प्रोफेसर और न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू जैक्सन ने कहा है
कि न्यूरालिंक के साथ जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी साइंस और अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हमें अच्छे से बताओ कि किन एक्टिविटीज के लिए ब्रेन के कौन से इससे ज्यादा एक्टिव होते हैं और डिटेल में पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है। अगर हमें ये नहीं पता होगा और हम एक पेशेंट के दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजेंगे तो हो सकता है कि उससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए, उसकी मेमोरी चली जाए या कोई और बॉडी का फंक्शन रुक जाए, जिससे काफी खतरे पैदा हो सकते हैं। एक दूसरी टेक्निकल समस्या जो न्यूरालिंक के साथ बताई जाती है वो ये है कि अभी इस चिप में सिर्फ 1024 इलेक्ट्रोड्स ही हैं, जो कि ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से काफ़ी कम है। लेकिन अगर इन इलेक्ट्रोड्स की संख्या बढ़ा भी दी जाए तो कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है। इनमें से पहला सवाल तो सीधा सीधा ट्रस्ट का है कि क्या आप एक बिलियनेयर पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि उसके बनाए प्रोडक्ट को अपने ब्रेन के साथ खिलवाड़ करने की परमिशन दे देंगे। इसमें सीधा सीधा पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि चिप अच्छे से काम कर भी जाती है, लेकिन फिर कुछ बड़ी कंपनीज इसमें अपना प्रॉफिट ढूंढने के लिए ये करने लगे कि वो टीवी या इंटरनेट पर एड्स देने के बजाय अब सीधा इलॉन मस्क को पैसे देकर ये बोलें कि इन लोगों में हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर एक प्रेफरेंस डाल दो। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर जब आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जा रहे हैं तो क्यों एक स्पेसिफिक ब्रांड का ही सामान खरीद रहे हैं। ट्विटर डील या उसके बाद जो भी हुआ, उसके बाद इलॉन मस्क पर लोगों का भरोसा वैसे ही कम हो गया है। अब ऐसे में इस तरह के प्रोडक्ट को क्या लोग प्रेफर करेंगे। एक खतरा इसमें यह भी है कि इस चिप के मटेरियल्स के कारण हो सकता है ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होने लगे और उसके अंदर कुछ इस तरह के मेटल्स चले जाएं जो ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हो। ये भी मुमकिन है कि लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ के लिए काफी बुरा साबित हो। जो भी लोग इसे शुरुआत में अडॉप्ट करेंगे उन्हें इन खतरों के बारे में नहीं पता होगा। इन खतरों के बारे में सिर्फ तभी पता चल सकता है जब एक्चुअली लोग इस प्रोडक्ट को यूज करें और उसके बाद में फीडबैक से पता चले कि इसमें क्या कमियां थी। इलॉन का प्लान इसे लॉन्ग टर्म में इंटरनेट और ब्लूटूथ जैसी टेक्नोलॉजी से जोड़ने का भी है, जिसका मतलब है कि ये डिवाइस हमेशा ही हैकर्स के निशाने पर रहेगा। सोचिए एक हैकर के लिए कितना आसान हो जाएगा किसी के ब्रेन में घुसकर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ला पाना और फिर इंसेप्शन मूवी की तरह इस तरह के ख्याल डाल देना जो कि उसके है ही नहीं। आप जितना मर्जी इसे सिक्योर कर लें लेकिन हैकर्स कोई ना कोई रास्ता खोज ही लाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। इन्हीं सब सवालों के कारण इस डिवाइस की ह्यूमन टेस्टिंग लगातार डिले हो रही है, वरना इलॉन का प्लान 2020 तक इसकी ह्यूमन टेस्टिंग करके 2025 तक इसे लॉन्च करने का था, लेकिन अभी तक इसकी ह्यूमन टेस्टिंग नहीं हो पाई है। इसके अलावा अमेरिका की फेडरल एजेंसीज ने इलॉन के ऊपर एनिमल क्रुएल्टी की रिपोर्ट के कारण अब एक इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च कर दी है, जो हो सकता है इस काम को थोड़ा और भी डिले पैदा करे। इस डिवाइस में काफी कुछ अच्छा है लेकिन काफी कुछ ऐसा भी है जिससे काफी सतर्क रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या इलॉन मस्क की ये डिवाइस बनाने की परमिशन दे देनी चाहिए, और अगर ये डिवाइस मार्केट में आया तो क्या आप इसे ट्राई करेंगे? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।